पंचकुला पुलिस द्वारा अपराध कर उन पैसों से बनाए गए एक घर ध्वस्त करने का काम जोरों शोरों से किया जा रहा है। एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज की अध्यक्षता में आज सेक्टर 3 में गांजा तस्करी में शामिल एक आरोपी द्वारा सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध मकान को ध्वस्त किया गया। एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज सहित क्राइम ब्रांच 19 डिटेक्टिव स्टाफ और एंटी नारकोटिक सेल के इंचार्ज भी मौके पर मौजूद रहे। एसीपी अरविंद कंबोज ने कहा कि नशा तस्करी कर उन पैसों से बनाई गई प्रॉपर्टी या घर को पंचकुला पुलिस द्वारा ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है और आगे भी निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जो अपराधी अवैध कब्जे कर मकान बनाकर रह रहे हैं उन पर भी कार्रवाई करने का काम पंचकुला पुलिस द्वारा किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच के एसीपी अरविंद कंबोज की अध्यक्ष में सेक्टर 3 में गांजा तस्कर द्वारा बनाए गए अवैध घर पर पीला पंजा चलाया गया। एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने सभी क्राइम के इंचार्ज के साथ मिलकर ये कार्रवाई की है। एसीपी क्राइम ने बताया कि आरोपी माही सेक्टर 3 में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर घर बनाकर रह रहा था। कुछ समय पहले आरोपी को 25 किलो नशीला पदार्थ गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि आरोपी अपने परिवार के साथ मिलकर सेक्टर 3 में बने अवैध मकान में भी नशा बेचने का काम करता था। इस मामले में आरोपी माही और उसके बेटे के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ओडिशा से नशीला पदार्थ गांजा लेकर आसपास के क्षेत्र में सप्लाई करता था। एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने कहा कि अपराध के पैसों से बनाई अपराधियों की प्रॉपर्टी पहले भी ध्वस्त करवा चुके हैं। एसीपी क्राइम ने कहा कि आगामी दिनों में इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।